नालासोपारा पूर्वेकडील मुकुंद हाईट्स याच इमारतीच्या खालच्या तळमजल्याच्या ठिकाणी जे आहे किरण गुप्ता या 14 वर्षीय मुलीचं आहे जे मृतदेह आढळून आलेला आहे. काळ धुळीबंधन संपून ती 4 वाजता घरातून बाहेर पडली आणि अचानक गायब झाली. 6:30 वाजता जे आहे ते त्याचा तिचा मृतदेह हे सापडून आला आहे. 7व्या मजल्यावर तिची एक चप्पलही आढळून आलेली आहे. मुख्य म्हणजे ज्या वेळेला त्याचे परिजन जे आहेत नातेवाईक शोधमोहीम घेत होते तुळी पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी गेलेले त्यावेळी त्यांना असं कळलं की वसई विरार महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली. त्यानंतर ते तिथे गेल्यानंतर त्यांना कळलं की ही बॉडी जी आहे किरण गुप्ताची आहे. नातेवाईकाने आता ह्या प्रकरणामध्ये संशय पूर्णपणे व्यक्त केलेला आहे कारण की किरण गुप्ता ही या इमारतीच्या पासून सुमारे 1 किलोमीटरच्या अंतराच्या बाहेर ती राहते. त्यामुळे ही तिथे आली कशी आणि तिला कोणी आणलं याचा प्रश्न जे आहे आता हे नातेवाईक विचारत आहेत. सध्या तुळींज पोलिसांनी जे आहे या गोष्टी या घटनेमध्ये ईडीआर दाखल केलेला आहे. मात्र जे नातेवाईक आहेत किरण गुप्ताचे त्यांनी अशी मागणी केली याच्यावर सखोल चौकशी होऊन ही किरण गुप्ताची आत्महत्या नसून हत्याच असल्याचा त्यांचा दावा आहे आणि त्या दृष्टीने तपास करण्याची त्यांची इच्छा आहे. अर्चना गुप्ता क्या है आपका? मेरे भाई हैं. क्या है आरोप, क्या है, क्या लगता है, क्या है? ये जो पुलिस ने बोला है कि सुसाइड किया, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है. क्योंकि लड़की माँ जाएगी नहीं इतना ऊपर, अकेले कैसे जाएगी वो, कुछ तो रीजन रहेगा ना. और चारों तरफ से पत्रे का बाउंड्री है, लॉक भी है उसको, फिर बच्चा गया कैसे अंदर. और 14-15 साल का लड़की है, सुसाइड कैसे करेगा वो, कुछ तो रीजन रहना चाहिए ना. पूरा क्या हकीकत, वो थोड़ा सा बताइए. अभी पुलिस बताएगी तो मालूम पड़ेगा ना. हम लोग को तो कुछ ही कुछ नहीं मालूम. घर से लड़की खेलने के लिए गई थी, होली खेलने के लिए गई, और वहाँ से 6 बजे मालूम पड़ता है बॉडी पड़ा है. हम ढूंढ रहे तो मालूम पड़ा बॉडी पड़ा है पुलिस स्टेशन. ऐसे कैसे, पूरा डिटेल हमको कुछ चाहिए. अभी कोई डिटेल नहीं दे रही है पुलिस. आपका नाम क्या है? अरविंद गुप्ता. सर जी क्या पूरा हकीकत बताइए. हकीकत ये, बच्ची सुबह होली खेलने निकली, शाम को 3 बजे घर पे थी, उसके रिश्तेदार है, सबको खाना पीना खिलाई, 5 बजे बाहर निकली, उसके बाद बच्ची मिली नहीं. हम लोग 7 बजे ढूंढने निकले तो हमको 8 बजे मालूम पड़ता है कि बच्ची का सुसाइड, बच्ची मरी हुई है और म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में पड़ी है. एक बच्ची लापता है, हम लोग वहाँ पर गए तो बच्ची मरी हुई मिली हमें. अब बताइए आप, 6 बजे बच्ची 5 बजे निकली और 2 ही घंटे 6:30 बजे बताते हैं हॉस्पिटल में बच्ची पहुँची है बॉडी, तो बताइए 1.5 घंटे में बच्ची मरी और हॉस्पिटल में कैसे पहुँची. हमें न्याय चाहिए, मांग कुछ नहीं. हमारी खाली जो न्याय है, हमारी बच्ची कैसे मरी. बिल्डिंग में चारों तरफ सेफ्टी गेट है, सेफ्टी एक ही गेट है बिल्डिंग में, दादर में उनके लॉक है. बच्ची ऊपर गई कैसे, बच्ची बता रहे हैं 7वें माले से गिरी, लेकिन सर 7वें माले से गिरी होती है तो लंबा बच्ची गिरती, एकदम दीवार के बगल में गिरी है बच्ची, उनका जो विंडो दीवार उसके बगल में गिरी, और 7वें माले ऊपर चप्पल मिल रहा है. अगर कोई सुसाइड करेगा चप्पल छोड़ के सुसाइड नहीं करेगा सर. हमारी बच्ची को मारा गया, जो कातिल वो पकड़ा जाए, और बाकी हमारी कुछ मांग, हमको न्याय चाहिए, हमारी न्याय मांग है.